हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो आपको बीबी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से ये सब्जेक्ट है, और भी किसी नाम से हो सकती है और भी कॉलेजेस में, बट मुझे भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से मैं जान रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर वन है, इसमें आई थिंक 4 यूनिट है। इसके बाद एल्गोरिथम है, और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बाद एक और चैप्टर है। तो इसमें से 4 या 5 यूनिट है, तो उसको मैं सारा कवर करूँगा। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल में नया आए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, जो भी लोग बीबी एमबीए से हो, ठीक है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर वन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आप लोग तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर के बारे में, बट फिर भी ये बीबीए में पढ़ना है। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल भी है, इसके प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, बट हम लोग के टाइम पे इसके प्रैक्टिकल नहीं हुई थी, बट अब हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर तो सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट दैट डेटा इनपुट प्रोसेस एंड डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हम लोग कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इनपुट दिए तो वो लोग आउटपुट देता है ना, जैसे हम लोग माउस कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो वो हम लोग स्क्रीन पे शो होता है। ठीक है, और हम लोग कुछ स्टोर भी कर सकते हैं फॉर द इन्फॉर्मेशन, जैसे पीडीएफ हम लोग स्टोर करते हैं वर्ड में, जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो वर्ड स्टोर है मेरे में, तभी तो ये मैं आगे फ्यूचर यूज़ में मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह से आप इनपुट आउटपुट और फ्यूचर यूज़ के लिए, और भी बहुत तरह के यूज़ होता है कंप्यूटर में, तो ये सब आप लोग इस डेफिनेशन में समझ रहे हो। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब है, और फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर के आप लोग देखो, तो ये सब अच्छे से जानते हो, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ, मतलब थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग, एक पीडीएफ भी ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और यहाँ से आप लोग देख कर अपना एग्जाम में जो भी है लिख देना। ठीक है, इसलिए मैं, ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर क्या है, जैसे टेक डेटा इज इनपुट हो गया, स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड, तो ये मैंने बता दिया। प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इन यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जनरेट्स आउटपुट, ठीक है, कंट्रोल ऑल द 4 स्टेप्स, तो ये सब, जैसे कि हम लोग ये डेटा हुआ, ठीक है, ये डेटा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सीपीयू, कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन। हम लोग गूगल पे क्या करते हैं, डेटा लाते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, तो प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, कंप्यूटर में उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, तो इस तरह का है। ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होता है, एक तरह का हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर आप लोग क्या जानते हो, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं टच करके। सॉफ्टवेयर क्या है, जो इनबिल्ड होता है कंप्यूटर के अंदर रहता है, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर रहता है, तो उसी को क्या करते हैं, हार्डवेयर आप लोग जानते भी होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट्स ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, हार्ड डिस्क, जितने भी है ये सब क्या है, हार्ड डिस्क है जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, ये लैपटॉप जिसमें मैं बना रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, इसको क्या है, एक हार्डवेयर है ना, तो इसको मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है, मॉनिटर हो गए, माउस की, तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर में आपको ये इनपुट इनपुट डिवाइस भी आप लोग जानते हो, जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइस में क्या हो, इनपुट डिवाइस इज पेरिफेरल, मतलब पीस ऑफ इक्विपमेंट डेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट फॉर्म डेट ह्यूमन अंडरस्टैंड टू वन ऑफ द कंप्यूटर कैन वर्क विथ। ठीक है, मोस्ट कॉमन आर कीबोर्ड एंड माउस, हम लोग इनपुट देते हैं ना, कीबोर्ड हो गया, न्यूमेरिक कीपैड, ये सब तो उतना नहीं चलता। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस में माउस, रिमोट कंट्रोल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया, टैबलेट हो गया, माइक्रोफोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेबकैम हो गया, ठीक है, लाइट बेंस हो गया, तो ये सब सारे क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसको आप लोग देख लेना। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या, सीपीयू का सब लोग जानते हो, सीपीयू देखते भी होगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नोट भी दिया है, द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड, द क्वालिटी कीबोर्ड जनरली स्टैंडर्ड की, देखो यहाँ से पहले ये क्वालिटी कीबोर्ड आता था ना, फोन में भी आता था, स्पाइस एक मोबाइल, ब्लैकबेरी, ये सब में आता था। ठीक है, कुछ चाइनीज फोन में भी ये सब आया था, अब तो बंद हो गया। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है उस तरह
सीपीयू, कंप्यूटर का भी एक सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेस रिगार्डिंग कंप्यूटिंग पावर। द सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, इसके बिना सीपीयू के तो मॉनिटर कोई रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, द सीपीयू इज कंप्राइज ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, एएलयू जिसको आप लोग जानते होंगे, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और एक होता है रजिस्टर। देखो एएलयू क्या होता है, एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल का लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, तो ये सब क्या हमारा अर्थमेटिक करता है ना। आप लोग एक मैथ नहीं पढ़ते होगे अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक चैप्टर, इसमें क्या क्या आता है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, तो ये सब क्या, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और लॉजिकल यूनिट क्या है, जैसे आप लोग रीजनिंग बनाते हो, तो रीजनिंग में जैसे स्पेशल कैरेक्टर हो गया, जैसे कि आप लोग गूगल पे भी टाइप करते हो तो वो खुद से जनरेट हो जाता है कैपिटल में, तो वो सब क्या है हमारा, लेटर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, तो ये सब क्या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंप्यूटर कंपोनेंट, जैसे रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर्स सो इट्स पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, रीड वट एवर डेटा इंडस्ट्री रिक्वायर्स फॉर सेल इन द मेमोरी, तो ये सब क्या स्टोर होता है इसमें, इसका कंट्रोल रहता है, प्रोवाइड द नेसेसरी डेटा टू एएलयू इफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एएलयू और स्पेशलाइज हार्डवेयर टू कंप्लीट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा कंट्रोल यूनिट में आता है। ये रजिस्टर क्या होता है, स्टोर द डेटा इन द एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट वेरी फास्ट स्टोरेज होता है। तो रजिस्टर क्या होता है, ये स्टोर करता है आपके डेटा को, ठीक है, जो काफ़ी फास्ट स्टोरेज होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इसमें रैम और रोम आता है। रैम क्या होता है आपका, रैम तो सब लोग जानते हो, जैसे फोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो रैम हमारा क्या करता है कि आपका जो फोन है या फिर कंप्यूटर है तो वहाँ पे लैग ना हो, ठीक है। रैम क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और रोम क्या होता है, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है, और रैम क्या होता है आपका एक तरह का क्या होता है, जो लैग करने से बचाओ, ठीक है, मतलब लैग करने से बचाओ, रैंडम एक्सेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, रैम इज अ मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा एंड टेम्पोरी बेसिस सो इट कैन प्रॉम्प्टली एक्सेस बाई प्रोसेसर एंड वेन नीडेड, ठीक है। इट इज अ वोलेटाइल नेचर विच मीन्स द डेटा विल इरेज वन सप्लाई द स्टोरेज डिवाइस इज टर्न ऑफ रैम स्टोर डेटा रैंडमली, ठीक है। यहाँ पर डेटा भी रैंडमली स्टोर होता है। रैम रोम क्या होता है, जितना आपका रोम होगा, ठीक है, 16 GB रोम होता है, 28, तो अब तो फोन सब में बहुत सारे रोम आ गए हैं, 128, 5, 5 to 6 बहुत रोम आ गए, ठीक है। तो रैम ये सब क्या करता है, रैम आपका रैंडमली स्टोर कर देता है डेटा, बट रोम क्या करता है, आपका स्टोरेज एक तरह का होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है रोम, ठीक है, जो आपका डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली इट रिटेन आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है। ये क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि आपको कभी लाइट कट गया तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, पावर चला गया तो ये क्या था, परमानेंटली स्टोर कर देता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए परमानेंटली स्टोर कर देगा, ठीक है। उसका हार्ड डिस्क क्या होता है, उसका ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। हार्ड ड्राइव क्या होता है, हार्ड ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ यूनिट ऑफन कॉल्ड एज डिस्क ड्राइव। हार्ड ड्राइव और हार्ड ड्राइव द स्टोर प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक एक्सेस और टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस ऑन सेट ऑफ सरफेस, ठीक है। एक तरह का हार्ड ड्राइव हो, जैसे गूगल ड्राइव में आप लोग स्टोर करते हो ना डेटा, जैसे कि वहाँ पे कोई एक्सेस मिल जाता है आपको, इस तरह का लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पे क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग होता है ना कि डेटा कम, मतलब स्टोरेज कम हो जाता है फोन में या लैपटॉप में, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव का स्टोरेज हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जिस तरह का गूगल ड्राइव का स्टोरेज होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क इज लार्ज लेजर लाइट प्रोसेस ऑफ रीडिंग राइटिंग ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। सम ड्राइव्स कैन यूज फॉर डिस्क बट रिसेंट ड्राइव्स कॉमनली बोथ रीडर्स एंड रीडर्स ऑल्सो कैन बर्नर राइटर, ठीक है। तो ये सब है आपका ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्टिकल ड्राइव जेनरिक नेम ड्राइव एज यूजली डिस्क्राइब एज सी डी, डीवीडी पहले चलता था ना, ठीक है, जैसे कि आप लोग कुछ मूवी सब देखते हो तो वो सब क्या था, ऑप्टिकल डिस्क होता है। जैसे हम लोग सीडी लगाते थे, डीवीडी लगाते थे, तब हम लोग को वहाँ फ्लैश होता था मूवी ये सब, तो उस तरह का उसी में ऑप्टिकल डिस्क आता है, ठीक है।
फ्लैश डिस्क हो गया, स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ फ्लैश मेमोरी चिप्स। इफ फ्लैश डिस्क हैव नो मैकेनिकल प्लेटर्स और एक्सेस आर्म्स, बट द टीम डिस्क इज यूज्ड बिकॉज डेटा एक्सेस एज इफ दे वेयर ऑन हार्ड ड्राइव। द डिस्क स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एलम, एक तरह का ये भी स्टोरेज ही डिवाइस है, ठीक है। तो ये सब आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपको रैम रोम तक है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी तक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे रैम में देख लो और हार्ड डिस्क में कंपैरिजन देख लो, रैम क्या एक तरह मेमोरी है, ठीक है, जिसमें स्मॉलर अमाउंट होता है, टिपिकली 500 MB, 6 GB, अब तो 8 GB, 10 GB भी आ गया, 12 GB भी रैम आ गया है फोन सब में, ठीक है। टेम्प्रोरी अब तो लैपटॉप में भी आ चुके, टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, यहाँ परमानेंट स्टोरेज होता है, यहाँ पर लार्जर होता है, 1 TB तक भी आता है, ठीक है। ए लिटिल लाइक योर डेस्कटॉप एंड ओनली करेंट वॉक इन, ठीक है, तो ये सब लार्ज लाइक है फाइल कैबिनेट, ठीक है, एज ए लॉन्ग स्टोरेज है। कॉन्टेंट्स डिसअपीयर व्हेन यू पावर्ड ऑफ टू द कंप्यूटर एंड व्हेन कंप्यूटर क्रैशेस, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे स्टोर्ड रहता है कंटेंट, यहाँ पे स्टोर होता है तब भी, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क, प्लैटर्स, व्हेन यू वॉन्ट टू यूज प्रोग्राम, टेम्प्रोरी कंपी कॉपी इज पुट इन रैम डेट द कॉपी यूज, ठीक है, यहाँ पे परमानेंटली आपका स्टोर होता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस तो हम लोग जानते ही होंगे क्या होता है, CRT मॉनिटर, मॉनिटर हो, लेजर प्रिंटर हो गया, तो ये सब क्या आपको आउटपुट दे रहा है ना कैमरा से, स्पीकर हो गया, तो ये सब क्या आपका आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज जेनरिक टर्म फॉर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, कंप्यूटर डेटा इंस्ट्रक्शन, ऑफन ब्रोक इंटू टू मेजर कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर टू ए कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक। देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आप लोग कुछ काम करते हो, ठीक है, जैसे कि आप लोग कुछ काम करते हो, जैसे फ़ोन सब में देखते हो कौन सा उसमें सॉफ्टवेयर लगा रहता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन आता है और भी मीडिया टेक का आता है, लैपटॉप इंटेल का आता है, तो ये सब क्या होता है, हमारे एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डेट क्या करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बहुत तरह का सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमें जैसे कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि PDF बनता है, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फिर से आप लोग एडिटिंग में देख लो कि प्रीमियर प्रो हो गया, तो ये सब क्या एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं टास्क को अकॉम्प्लिश करते हो, वहाँ पे अपना टास्क बनाते हो, ठीक है, तो ये सब क्या सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर टाइप्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर टाइप्स होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सो डैट अदर सॉफ्टवेयर आर यूज ऑफ द सिस्टम सीट एज ए फंक्शनल यूनिट विदाउट हैविंग ए कंसर्न विथ अ लो लेवल डिटेल्स सच एज ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क और रेंडरिंग टेक्स्ट इनटू ऑनटू अ डिस्प्ले। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड सम मोड सम फंडामेंटल यूटिलिटीज सच एज डिस्क फॉर्मेटर्स, फाइल मैनेजर्स, डिस्प्ले मैनेजर, टेक्स्ट एडिटर्स, यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट टूल्स एंड नेटवर्किंग डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या आपका एक तरह का फाइल मैनेजर हो गया, डिस्प्ले मैनेजर हो गया, तो ये सब क्या आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ट होता है आपका, जो फोन आप खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो वहाँ पे क्या रहता है आपका इनबिल्ट होता है ना फाइल मैनेजर, ये सब हो गया, और भी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब मिल जाता है, तो ये सब क्या आपका इनबिल्ट होता है, सॉरी मतलब ये सब जो हो गया, ठीक है, जो इनबिल्ट देता है आपको, ठीक है, रिकॉर्डर हो गया, ये सब क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आप लोग खुद से इंस्टॉल करते हो नेट पे जाके, तो ये सब क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था स्नैपड्रैगन हो गया फोन में, इसमें लाइनक्स हो गया, इंटेल हो गया, मैक हो गया, TOS हो गया, तो ये सब क्या आपका कॉम्पिटिशन है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, आप लोग ये जानते हो ना, जैसे कि आप लोग जैसे नेट नेट का रिचार्ज कराते हो, ठीक है, जैसे इंटरनेट रिचार्ज कराते हो गए, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि मैं 1 GB का रिचार्ज करा लूँ, ठीक है, 1 GB तो मिनिमम होता है आजकल, ठीक है, जैसे पर डे आपको 1 GB मिलती है, तो 1 GB में 1024 MB होता है, और यहाँ पे 1 MB भी होता है, 1 MB ये सब में 1024 बाइट्स होता है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा पहले से, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट स्टोरेज मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे 1 TB में होता है, जैसे कि काफ़ी सारे लैपटॉप में होता है 1 TB तक स्टोरेज, तो ये सब आप लोग यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से।
साढ़े दी एक बिट, 1 बिट में आंसर टू यस नो, 1 बाइट में नंबर 0 to 25 है, 90 बिट, 4 KB का दिया हुआ है, तो सबका दिया हुआ है यहाँ पे कन्वर्ट करने का, तो आप लोग यहाँ से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो स्पीड मेजरमेंट कैसे होता है, द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेजर बाई हर्ज, ठीक है, विच रिप्रेजेंट ए CPU साइकिल, दिस इज स्पीड ऑफ CPU इज नोन एज कंप्यूटर स्पीड, 1 हर्ज, ठीक है, 1 साइकिल पर सेकेंड होता है, 1 मिलियन, ठीक है, 1 MHz, 1 साइकिल, तो ये सब क्या होता है, हम लोग स्पीड मेजरमेंट करने के लिए के यूज़ होता है। और देखो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन क्या है, देखो बहुत बहुत पुराने ज़माने से क्या होता था, पहले पर्सनल कंप्यूटर होता था, ठीक है, जैसे कंप्यूटर कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाई साइज एंड पावर एज फॉलोज, दो देयर इज कंसिडरेबल ओवरलैप। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, ए स्मॉल सिंगल यूजर, ठीक है, सिंगल यूजर कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, इन एडिशन टू द माइक्रो प्रोसेसर ए पर्सनल कंप्यूटर हैज अ कीबोर्ड फॉर एंटरिंग ए डेटा, ए मोनिटर फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एंड ए स्टोरेज डिवाइस। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, मोनिटर है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पर्सनल यूज का कंप्यूटर चला रहा हूँ, ठीक है। वर्क स्टेशन क्या है, पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन इज लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर बट इट इज मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड हायर क्वालिटी मॉनिटर। यहाँ पे ये सब क्या होता है, वर्क स्टेशन जहाँ पे बहुत हाई टास्क यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये सब हम लोग पर्सनल यूज के लिए नहीं रखते हैं, है बट पर्सनल, बट यहाँ पे हम लोग ये सब यूज नहीं करते, हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to 100s ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली आप लोग यहाँ पे 10 to 100 ऑफ यूजर एक साथ यूज कर सकते हो, वो क्या है, मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम क्या होता है, एक पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेनी 100 or 1000 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 100 से लेके 1000 और एक साथ यहाँ पे यूज होता है मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर तो इंडिया का सबसे फास्ट है, ठीक है, अभी जो शायद आया है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर डेट कैन परफॉर्म 100 of millions ऑफ इंस्ट्रक्टर पर सेकेंड। देखते हो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर बहुत स्पीड होता है, ठीक है। अब देखो लैपटॉप एंड स्मार्टफोन कंप्यूटर क्या होता है, आप लोग लैपटॉप जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप के बारे में लोग जानते हो, ठीक है, नेटबुक होते जैसे जैसे नोटबुक हो गया, ये सब जैसे किंडल ये सब हो गया, तो उसमें क्या होता है, टैबलेट हो गया, ये सब क्या होता है, नोटबुक होता है, मोबाइल डिवाइसेस सब लोग जानते हो, ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर जानते ही हो गए आप लोग, तो ये सब आपको कोई मतलब पढ़ाया हुआ मतलब इसको रटने का चीज़ नहीं है, ये सब आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे पॉइंट याद रखो क्या है, स्मार्टफोन्स हो गया, ये सब जानते हो, डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या हो गया, डेटा जानते हो गए, डेटा क्या हो गया, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर विच इज स्पेसिफिक बट विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन वे विच प्रोवाइड नो फर्दर पैटर्न, सो डेटा मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड एक्ट्स ऑफ फिगर एट लीस्ट इम्पैक्ट ऑफ टिपिकल मैनर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया, डेटा का इन्फॉर्मेशन ये सब हो गया, नॉलेज हो गया, तो ये सब आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, फिर ये सब ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लिख देना, जहाँ पे स्पीड आता है, एक्यूरेसी आता है, ठीक है, इंटेलिजेंस आता है, स्टोरेज आता है, वर्सिलिटी आता है, ठीक है, तो ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट है। स्पीड में क्या होता है, द कंप्यूटर कैन एक्सेस डेटा वेरी फास्ट, यह सब लोग पता है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, द कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन 10 decimal places, ठीक है। डिलीजेंस क्या होता है, व्हेन यूज्ड ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, ठीक है, एंड फटीग, हम लोग कंप्यूटर कभी थकता है, कभी तो नहीं होता है, आप लोग कितना भी यूज कर लो, ठीक है, तो ये होता है डिलीजेंस होता है, ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर लो, तो ये सब क्या डिलीजेंस होता है। स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग ह्यूमन ब्रेन से तो ज़्यादा वो मतलब कैपेबल होता है स्टोरेज कैपेबिलिटी में, ठीक है, स्टोरेज में। वर्सिलिटी क्या होता है, वर्सिलिटी होता है, कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल इन नेचर, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द सेम इज एट वन मोमेंट, यू कैन यूज कंप्यूटर टू प्रिपेयर ए लेटर डॉक्यूमेंट एंड इन नेक्स्ट मोमेंट यू मे प्ले म्यूजिक और राइट और ए प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है वर्सिलिटी, जहाँ पे आप लोग म्यूजिक भी सुन सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे गेम भी खेल सकते हो, बहुत तरह के टास्क, इंटरनेट भी चला सकते हो, सॉफ्टवेयर भी चला सकते हो, तो ये सब क्या है वर्सिलिटी, ठीक है, वर्सिटिलिटी है, ठीक है, तो ये सब क्या होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरसेस है, ठीक है,
देखो ये सब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वायरस वायरस के इतना नहीं लिखना, वहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है आपका। वायरस को ज़रूरी नहीं है लिखना क्योंकि उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग वहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स यूनिट वन जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। मैं अभी और भी लाऊंगा, 3-4 से वीडियो आएगी, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर तक, यूनिट फोर फाइव तक आएगी, ठीक है। तो इसका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो भी लोग चाहोगे डाउनलोड करना वहाँ से कर लेना, ठीक है। दोज हु लाइक टू दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स का, ठीक है, ताकि उनको भी BBS हो तो उनको भी पता चले, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।